कैसी हो डोरा स्प्रिट आर्मी? तो आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नोबिता की एक और न्यू क्रश को। एक नोबिता है और एक बेचारे हम, अब क्या किया जा सकता है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोबिता एक अनजान सी जगह पे होता है और तभी अचानक बहुत सारे दुश्मन नोबिता पे हमला कर देते हैं, लेकिन नोबिता उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। और भी डोरेमोन नोबिता से बोलता है कि तुम पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों में एकदम नाकारे हो, लेकिन तुमने इस शूटिंग गेम में हार्डेस्ट लेवल का आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। तो नोबिता कहता है कि मैं अगर उस जमाने में होता तो मैं आज तक का सबसे बड़ा गन फाइटर होता। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि जब असली मुकाबला होगा तो तुम पक्का बेहोश हो जाओगे या फिर भाग जाओगे, जिससे यह गोचू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर टाइम मशीन से उसी समय में चला जाता है जहां वो गलती से अपने जोश में टाइम मशीन का ब्रेक ही लगाना भूल जाता है। सच में इस गधे का कुछ नहीं हो सकता। और फिर हमें उस शहर में दिखाया जाता है जहां कुछ गुंडे एक जगह को लूट के बाहर आते हैं, जहां उनका सामना एक शेरिफ से होता है, जहां आखिरकार वही होता है जो डोरेमोन ने कहा था, यह गोचू असली गन की आवाज सुन के बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास नोबिता को बचाने के लिए टाइम मशीन ही नहीं थी। वहीं इस तरफ इस गोचू की आंख खुलती है जहां वो एक लड़की को देखता है जो कि नोबिता को बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हें यहाँ लाया, और वो बताती है कि मैं यहाँ के मेयर की बेटी फेजू हूँ। और फिर फेजू बताती है कि वो हमारा 13वां शेरिफ था और वो भी मारा गया, और अब हमें बचाने वाला कोई नहीं क्योंकि उनसे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। और तभी फेजू और नोबिता बाहर देखते हैं जहां एक के बाद एक लोग शहर छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन फेजू के डैड कुछ नहीं कर पाते। और फिर नोबिता बताता है कि मैं भी शूटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो फेजू और मेयर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही होंगी और इसीलिए तुम्हें घर जाना चाहिए, जहाँ यह गोचू अपनी बेइज्जती करवा के वापस टाइम मशीन के पास आता है, लेकिन वो वहाँ होती ही नहीं। और फिर आखिरकार नोबिता परेशान होके वापस आ जाता है, जहाँ नोबिता देखता है कि पेशू मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए नोबिता रियल गन लेके उन गुंडों के सामने चला जाता है। और फिर क्या, हमारा नोबिता किसी से कम है क्या? फिर वो बड़ी ही आसानी से सभी गुंडों को हरा के भगा देता है। और इसे देख के पेशू नोबिता से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में यह बेचारा खुद ही बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जहां वो गुंडे अपने लीडर को बताते हैं कि शहर में एक छोटा सा बच्चा आया है और उसने हमें बहुत बुरी तरह मार के भगा दिया। और यह सुन के उनका लीडर रात को शहर पे हमला करने का डिसाइड करता है। और वहीं दूसरी तरफ सभी लोग नोबिता को डाकुओं से लड़ने के लिए बोल रहे होते हैं, और तभी उन डाकुओं का फिर से हमला होता है जहां वो मेयर को एक मैसेज देके वहां से चले जाते हैं, जिसमें उनका रात को हमले वाला मैसेज होता है जहां नोबिता को फेजू की बहुत चिंता होती है। तो नोबिता कहता है कि तुम लोग शहर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां शहर के बाहर दो अनजान लोग खड़े होते हैं जिनका फेस हमें नहीं दिखाया जाता। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पेशू नोबिता को बताती है कि मेरे पापा और मेरे दादाजी ने इस शहर को बहुत मेहनत से बनाया है और इस शहर से मेरी मॉम की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, इसलिए हम इस शहर को नहीं छोड़ के जाना चाहते। और फिर पेशू नोबिता को शेरिफ का ड्रेस देती है जिसे पहन के नोबिता बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन पेशू नोबिता से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो। और तभी मेयर आते हैं और वो बताते हैं कि दुश्मन आ चुके हैं और अब हमें चलना चाहिए, जहां पेशू नोबिता को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नोबिता उन डाकुओं से लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहां दुश्मनों की बहुत बड़ी फौज आ गई होती है जो कि सच में बहुत बड़ी थी,
जिसे देखकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और वहीं वो दो अनजान लोगों में से एक कहती है कि दुश्मन आ चुके हैं, तो दूसरा बोलता है कि नहीं अभी कुछ देर रुको। तो अब बताओ कि यह दोनों कौन है, कमेंट करके जल्दी बताओ। और फिर लड़ाई शुरू होती है और उसकी आवाज सुन के पेशो नोबिता के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ नोबिता बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जिसके कारण वो दुश्मनों पे हमला ही नहीं करता। लेकिन तभी वो देखता है कि मेयर पे कुछ दुश्मन हमला करने वाले हैं, जिसे देख के नोबिता उन पे फायर करता है। और फिर नोबिता कहता है कि मैं डायरेक्टली हमला नहीं करूंगा। और फिर नोबिता अपने एक्शन मूड में आ जाता है, जिससे दुश्मन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक दुश्मन नोबिता पे छुप के निशाना लगाता है और तभी पेशू वहाँ आ जाती है और वो नोबिता को बचा लेती है। लेकिन कुछ दुश्मन पेशू को ही पकड़ लेते हैं, जहाँ वो नोबिता और मेयर से कहते हैं कि अपनी अपनी गन फेंक दो। और यह सुन के नोबिता बिना कुछ सोचे अपनी गन तुरंत फेंक देता है, क्योंकि वो पेशू को कुछ होने नहीं देना चाहता था, जिसे देख के मेयर भी अपनी गन फेंक देते हैं। और तभी वो दुश्मन नोबिता पे हमला कर देते हैं और तभी वो दो अनजान आदमी आके नोबिता को बचा लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो डोरेमोन और डोरामी है, और डोरामी अपनी गैजेट से टाइम को स्लो कर दी होती है, जिससे नोबिता बच जाता है। और फिर क्या, उन्हें देख के नोबिता बच्चों की तरह रोने लगता है। और फिर डोरामी नोबिता को एक गन देती है, जिसकी मदद से नोबिता बहुत ही आसानी से उन्हें हरा देता है। और फिर डोरेमोन और नोबिता उनके लीडर के पास पहुंचते हैं, जहां वो नाटक करके नोबिता पे अटैक करना चाहता था, लेकिन नोबिता उसे भी हरा देता है, जिसे देख के डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहां पेशू आती है, जो नोबिता का कुछ हट के शुक्रिया करती है, और इसे देख के नोबिता लाल पीला हो जाता है, जहां सभी टाउन वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम ही हमें बचाओगे। तो नोबिता कहता है कि हर बार तुम लोगों को कोई भी नहीं बचाने आएगा, तुम्हें खुद अपने शहर की रक्षा करनी चाहिए। और फिर नोबिता वहाँ से निकल जाता है और तभी पेशू भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँचती है। लेकिन तब तक नोबिता वहाँ से चला गया होता है, जहाँ पेशू कहती है कि हम एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। समझ रहे हो, वो नोबिता से शादी करने की बात कह रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ यह बुद्धू फिर से जियान से मार खा रहा होता है। तो चलो, यह भी एपिसोड एंड हुआ। तो अब बताओ कैसी लगी नोबिता की न्यू क्रश, तुम लोग को पसंद आई कि नहीं? तो चलो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।